सब एक्सरसाइज क्लियर की है। अब उससे आगे जाएंगे 1.12 नंबर की एक्सरसाइज देखो। 1.12 नंबर की एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक यहां मुझे भी निकालनी पड़ेगी। 1.12 नंबर की एक्सरसाइज है उसका डिस्कशन हम करेंगे यहां। चलो देख लो, एक्सरसाइज नंबर 1.12 थोड़ी डिफरेंट एक्सरसाइज है। इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज, देख लो, मिथेनॉल मीन्स CH3OH, फॉर्मूला ऑफ मिथेनॉल इज CH3OH, डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 1.793 किलोग्राम लीटर इनवर्स। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर 0.25 मोलर सॉल्यूशन। चल देखो, डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम लीटर इनवर्स, लेकिन हमें क्या करना है, हमें 2.5 लीटर 0.25 मोलर वाला सॉल्यूशन क्रिएट करना है। किसमें से? तो इस सॉल्यूशन में से ये सॉल्यूशन बनाना है। तो इसके लिए ये जो मेन सॉल्यूशन है उसका कितना वॉल्यूम यूज होगा, ये हमें यहां पूछा गया है। तो देखते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं इसे। देख लो, पहले तो इसका मीनिंग क्या है, 0.793 किलोग्राम लीटर इनवर्स, इसका मीनिंग है इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन 0.793 किलोग्राम मिथेनॉल इज डिसॉल्व। ओके, इन 1 लीटर सॉल्यूशन 0.793 किलोग्राम मिथेनॉल इज डिसॉल्व। यहां 1 लीटर सॉल्यूशन में जो मिथेनॉल का वेट है, जो मास है, वो किलोग्राम यूनिट में है, उसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे हम तो 793 ग्राम मिलेगा। ओके, तो इन 1 लीटर सॉल्यूशन 793 यानी 793 ग्राम मिथेनॉल इज डिसॉल्व। चलो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिथेनॉल, फर्स्ट वी फाइंड द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। आफ्टर फाइंडिंग मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन वी यूज द फॉर्मूला फॉर हाउ मच वॉल्यूम ऑफ रियल सॉल्यूशन यूज इन दिस प्रिपरेशन। मोलिक्यूलर वेट ऑफ मिथेनॉल इक्वल टू कार्बन 12, 4 हाइड्रोजन 4 × 1 प्लस ऑक्सीजन 16, 32 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, चलो ये हमें मिल गया 32 ग्राम मोल इनवर्स। आफ्टर फाइंडिंग मोलिकुलर वेट मोल फाइंड करेंगे हम, मोल ऑफ मिथेनॉल। मोल ऑफ मिथेनॉल इज
वेट ऑफ मिथेनॉल इज 793, मोलेक्युलर वेट इज 32। आपको पता है मोल की फॉर्मूला क्या है, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास यानी मोलेक्युलर वेट। तो आप भी फाइंड करो, मैं भी करता हूं विद द यूज ऑफ कैलकुलेटर। 793 डिवाइडेड बाय 32, तो आंसर मिलेगा 24.781, इतने मोल हमें मिले हैं। उसके बाद फॉर्मूला है मोलारिटी, मोलारिटी इक्वल टू मोल अपॉन लीटर। क्या फॉर्मूला है, मोलारिटी इक्वल टू मोल अपॉन लीटर। मोल ऑफ मिथेनॉल इज 24.781 एंड लीटर इज, लीटर आपको पता है इन वन लीटर सॉल्यूशन, तो वन ही आएगा, तो आंसर मिलेगा 24.781। तो ये है मोलारिटी 24.781। बट क्वेश्चन इज हाउ मच वॉल्यूम यूज ऑफ 24.781 मोलारिटी सॉल्यूशन फॉर प्रिपेयर 2.5 लीटर 0.25 मोलर। इसका मीनिंग ये है कि हमारा जो रियल सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है और उसका कॉन्सेंट्रेशन 24.781 मोलर है। इस सॉल्यूशन में से कितना वॉल्यूम हम यूज करेंगे जिसकी वजह से इतना सॉल्यूशन क्रिएट होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, V1 मीन्स इनिशियल वॉल्यूम, M2 मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और V2 मीन्स इनिशियल वॉल्यूम। M1 मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 24.78, तो M1 इक्वल टू लिखेंगे हम 24.781। V1 हमें फाइंड करना है, 1 लीटर नहीं लेना है, 1 लीटर तो ओरिजिनल सॉल्यूशन है लेकिन उसमें से कितना हम यूज करेंगे, तो V1 हमें फाइंड करना है। M2 तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 0.25 मोलर और V2 तो कितना क्रिएट करना है हमें, तो 2.5 लीटर बनाना है। तो सारी वैल्यू M1 V1 इक्वल टू M2 V2 फॉर्मूला में हम ऐड करेंगे। M1 तो M1 24.781, V1 तो फाइंड करना है, M2 तो 0.25 एंड V2 तो 2.5। V1 इक्वल टू 0.25 इंटू 2.5 अपॉन 24.781। चलो कैलकुलेट करो क्या आंसर मिलता है, करो और आंसर मिले तो मुझे चैट में लिखो। चलो ये लीटर में आया, इसको मिलीलीटर में मैं कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो 25.22 मिलीलीटर, तो ये मिलता है हमें राइट आंसर 25.22 मिलीलीटर। ओके परफेक्ट प्रेरक। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू बी सेवरली contain my by with the chloroform supposed to be carcinogenic in nature, carcinogenic means usse cancer hota hai, the level of contamination was 15 ppm by mass, express this percentage by mass and determine the molar लिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वॉटर सैंपल।
यहाँ पर मोलालिटी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज करेंगे हम, रियलिटी में मोलारिटी है, और इस एग्जांपल में मोलारिटी और मोलालिटी में ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूटेड है। देखते हैं ये सम कैसे होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 27। एक्सरसाइज 1.17। यहाँ पर दिया गया है हमें 15 ppm क्लोरोफॉर्म बाय मास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ppm? राइट इन चैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ppm? बोलो ppm का मीनिंग है वो क्या होता है? बोलो नहीं पता है ppm का मीनिंग, कोई बात नहीं। ppm का मीनिंग होता है पार्ट्स पर मिलियन, फुल फॉर्म है उसका। लेकिन रियलिटी में ppm क्या होता है वो देखते हैं। 15 ppm का मीनिंग ऐसा है, 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम, ये आपको याद रखना है। ये सम कॉमन है 12th में चैप्टर 2 की एक्सरसाइज में भी है, 11th में चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में है, इसलिए इसका हार्डनेस लेवल थोड़ा ज्यादा है। ओके, 15 ppm का मीनिंग क्या होगा? 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम। इट मींस इन 1 किलोग्राम सॉल्यूशन, इन 1 किलोग्राम सॉल्यूशन 15 मिलीग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म मींस CHCl3 डिसॉल्व है। 15 मिलीग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 15 मिलीग्राम को लिखेंगे 15 × 10⁻³ ग्राम। क्या लिखेंगे? 15 × 10⁻³ ग्राम। ओके, तो ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। पहले हमें फाइंड करना है, फर्स्ट जो हमें कहा गया है परसेंट बाय मास, मीन्स परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाय डब्ल्यू फाइंड करना है। आपको पता होना चाहिए परसेंटेज ऑफ डब्ल्यू बाय डब्ल्यू की फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन × 100, और दोनों का यूनिट ग्राम होना चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन × 100। चलो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो 15 × 10⁻³ ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो 1000 ग्राम लिख सकते हैं हम, 1 किलोग्राम की जगह, तो यहां लिखेंगे 1000 × 100। तो क्या आंसर मिलेगा? 15 × 10⁻⁴। साइंटिफिक नोटेशन करते हैं तो 1.5 × 10⁻³ परसेंटेज आंसर मिलता है।
तो ये है परसेंटेज W बाय W, ओके। दूसरा फाइंड करना है हमें मोलारिटी, कोई बात नहीं, मोलारिटी मोलारिटी दोनों सेम रहेगी यहाँ, क्योंकि मैं बताता हूं आपको 1 किलोग्राम इक्वल टू 1 लीटर होगा, क्योंकि वाटर है और वाटर की डेंसिटी ऑलवेज 1 होती है, इसलिए 1 किलोग्राम लो 1 लीटर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मोलारिटी और मोलारिटी सेम। मोलारिटी की फॉर्मूला है मोल अपॉन लीटर, लीटर तो हमारे पास है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1 लीटर है, लेकिन वी विल फाइंड द मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म। हमें क्या फाइंड करना है, मोल ऑफ सॉल्यूट मींस मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म फाइंड करने हैं, कर देंगे। मोलेक्युलर वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म, मोलेक्युलर वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म कार्बन, मोलेक्युलर मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1 एंड 3 इंटू क्लोरीन 35.5। चलो करो कैलकुलेशन, मोलेक्युलर वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना होता है, 12 + 1 + 3 × 35.5, 119.5 ग्राम मोल इनवर्स, ओके बराबर है। चलो मोल फाइंड करेंगे, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलेक्युलर वेट, मास कितना है तो आपको पता है क्लोरोफॉर्म का मास ये रहा 15 × 10⁻³ अपॉन मोलेक्युलर वेट 119.5। क्या आंसर मिलता है देखते हैं हम, 15 ÷ 119.5 × 10⁻³ मोल मिलेंगे, क्या। चलो उसके बाद फाइंड करेंगे हम मोलारिटी, मोलारिटी इक्वल टू फिर से फॉर्मूला लिखता हूं, मोल अपॉन लीटर, मोल आपको पता है 0.1255 × 10⁻³ और लीटर 1 किलोग्राम इक्वल टू 1 लीटर तो आंसर इज 1, आंसर मिलेगा 1.255। साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, डेसिमल जो पॉइंट है उसे राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ मिलेगा 10⁻⁴। मोलारिटी उसका यूनिट होगा मोल लीटर इनवर्स। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, क्या 1.255 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स। चलो चलो बोलो किसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो मुझे पता नहीं चला है, बोलो। हाँ बोलो, और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो कौन से, मतलब डेसिमल नंबर के बाद कौन से को इंक्लूड करना है वो पता नहीं चल रहा है। नहीं, इसमें दो टाइप की एक्सरसाइज है, 1.19 में सिर्फ हमें इतना बताना है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट नंबर, और 1.20 में राउंड अप करना है, तो किसमें पता नहीं चल रहा है तुम्हें। सर प्रॉब्लम तो ऐसे दोनों में ही है क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। चलो देखो आपको रूल्स याद रखने हैं, कौन से रूल्स है मैं बताता हूं आपको, देखो चलो फर्स्ट एक्सरसाइज है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग 0.0025। चलो किसको पता है इसका आंसर क्या है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे। चलो आंसर मिलता है हमें, ओके टू आंसर मिल गए, टू। देखो जो डेसिमल है उसके आगे जीरो है और पीछे जीरो, तो ये जीरो काउंट नहीं होते हैं,
दूसरे में देखो दो नंबर के बीच में जीरो है तो ये काउंट होगा, यहाँ तीन आएगा। दो नंबर के बीच में जीरो है तो काउंट होगा तो यहाँ फोर आएगा। फोर नंबर देखो वन टू सिक्स उसके बाद थ्री जीरो है तो ये काउंट नहीं हो गए तो थ्री आएगा। लेकिन ऐसा होता कि वन टू सिक्स पॉइंट जीरो 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 तो डेसिमल के बाद के जीरो है ये काउंट हो गए क्योंकि उसके आगे जीरो नहीं है, उसके आगे कोई फिक्स नंबर है तो यहाँ सिक्स होगा। चलो फाइव जीरो जीरो उसके बाद जीरो है तो पॉइंट के बाद जो जीरो है वो काउंट होगा यहाँ फोर आएगा। और लास्ट वाला देखते हैं टू पॉइंट जीरो जीरो थ्री फोर तो यहाँ देख सकते हो डेसिमल के पहले टू है और उसके बाद भी नंबर है यानी दोनों नंबर के बीच जीरो है तो ये काउंट हो गए टोटल फाइव नंबर। अभी बोलो किसी को पता नहीं चल रहा है बोलो। ओके चलो अब दूसरी जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं देखो इस एक्सरसाइज में राउंड अप करना है। राउंड अप इसका मीनिंग क्या होता है वो बताता हूं मैं। देखो यहां लिखा है राउंड अप द फॉलोइंग अप टू थ्री सिग्निफिकेंट नंबर यानी आफ्टर राउंड अप जो हमारी वैल्यू है उसमें थ्री सिग्निफिकेंट नंबर ही होने चाहिए। चलो इसे मैं राउंड अप करूंगा लेकिन हमें ध्यान ये रखना है थ्री सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए तो ये वन ये टू और थ्री, थ्री सिग्निफिकेंट नंबर में रखूंगा तो टू के बाद कौन सा नंबर है वन है तो वन को हम इग्नोर करेंगे रिमूव करेंगे। वन की वैल्यू फाइव से कम है, फाइव से कम नंबर को जब हम रिमूव करते हैं तब उसके आगे जो नंबर होता है उसमें कोई चेंज नहीं होगा तो 34.2 लिखेंगे तो देख लो राउंड अप भी हो गया। और इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं तो सिग्निफिकेंट नंबर भी 3 है तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक तो सिग्निफिकेंट नंबर 3 होने चाहिए और दूसरा राउंड अप भी होना चाहिए। चलो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं तो इसमें थ्री नंबर में सिलेक्ट करूंगा वन टू और थ्री तो फोर के बाद वन है, वन फाइव से कम नंबर है तो इसे मैं रिमूव करूंगा तो इतना ही होगा 10.4 तो थ्री नंबर भी हो गए और ये भी हो गए। तीसरा करता हूं मैं तो क्या होगा 0.0 तो आगे वाले दो तो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, एक ये और ये एक ही तीन सिग्निफिकेंट नंबर है बराबर है तो इस तीन नंबर को मुझे लेना है, ये दोनों तो नहीं है तो मुझे सेवन को रिमूव करना है लेकिन सेवन की वैल्यू फाइव से ज्यादा है बराबर है। सेवन जो है वो फाइव से ज्यादा है, फाइव से ज्यादा वैल्यू वाला नंबर जब मैं रिमूव करूंगा तब यहाँ वन नंबर एड होगा लेकिन नाइन में वन एड करोगे तो क्या होगा टेन होगा तो टेन तो लिख नहीं सकते तो उस 10 को यहां उसकी इफेक्ट होगी तो 0.0460 देख लो तो लिखूंगा मैं 0.0460 तो ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है ये नहीं है लेकिन ये तीनों नंबर है क्योंकि डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं जीरो उसे सिग्निफिकेंट नंबर बोले जाते हैं तो ये इसमें तीन सिग्निफिकेंट नंबर मिलेंगे और इसकी करेक्ट वैल्यू भी मिली है। लास्ट वाला देखते हैं 2808 तो इसमें ये सिग्निफिकेंट नंबर है ये है ये भी है जीरो भी है लेकिन राउंड अप जब हम करते हैं तो उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करेंगे पता है इसमें 281 लिखेंगे, 8 को रिमूव कर दिया जीरो के 1 कर दिया लेकिन ये राउंड अप नहीं हुआ है तो
2808 का राउंड अप 281 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। हमें आइडिया ये करना है कि 281 लिखेंगे और लास्ट में मैं जीरो लिखता हूं तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं बनता है, जीरो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर तीन ही रहेंगे और इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हुई। 2808 लिखो या 2810 लिखो तो इसमें वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है। और लास्ट में जीरो लिखने से बेनिफिट ये है कि जीरो लिखने से ये सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होगा, तो तीन सिग्निफिकेंट नंबर ही मिलेंगे और वैल्यू में भी चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद वाली एक एक्सरसाइज हम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो आप, क्लियर करता हूं मैं इसे। ये एक्सरसाइज ऐसी है, देखो, द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टूगेदर टू द फॉर्म ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड। चलो कौन सा रूल्स यहां फॉलो होगा वो हमें पूछा गया है, देखते हैं हम। चलो एक्सरसाइज नंबर 1.21 उसका वन नंबर है। मास ऑफ डायनाइट्रोजन दिया गया है, मास ऑफ डायनाइट्रोजन एंड मास ऑफ डाइऑक्सीजन। यस, डेसिमल के बाद जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नंबर है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 1, 2, 3 और 4। देखो यहां ऐसा दिया गया है, लेकिन 0.003 जो तुमने लिखा है उसमें डेसिमल के पहले भी जीरो है, लास्ट में भी जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। यहाँ ओनली वन सिग्निफिकेंट नंबर आएगा। फिर से एक बार समझ लो, तुम बहुत गलती कर रहे हो। तुम देखो 0.003 है, 0.3 है, 3.0 है, 30.0 है। तो तुम्हें ये देखना है यहाँ डेसिमल के पहले और लास्ट में दोनों जीरो है तो ये काउंट नहीं होगा, वन ही होगा। डेसिमल के पहले जीरो है तो ये काउंट नहीं होगा, वन ही होगा। यहाँ डेसिमल के बाद में है लेकिन डेसिमल के पहले क्या है, थ्री है, तो काउंट होगा, यानी टू आएगा। यहाँ डेसिमल के बाद है लेकिन पहले क्या है, जीरो नहीं है, थर्टी है, थर्टी, तो यहाँ थ्री आएगा। डेसिमल के बाद वाले जीरो नहीं काउंट हो गए क्योंकि डेसिमल के पहले भी जीरो है, देख लो पहले भी जीरो है यहाँ, इसलिए ये नहीं हो गए। लेकिन तुम इसमें ऐसा सोचते हो कि डेसिमल के बाद जीरो है और उसके पहले जीरो है, तो डेसिमल के पहले जीरो नहीं है, डेसिमल के पहले थर्टी है, इसलिए सारे काउंट हो गए, इसलिए 33 है। बोलो अभी कोई क्वेश्चन है, देख लो इस एग्जाम्पल। ओके चलो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद ये सम हम कैलकुलेट करेंगे। चलो नाइट्रोजन 14 ग्राम, 14 ग्राम, 28 ग्राम और 28। ऑक्सीजन 16 ग्राम, 32 ग्राम, 32 ग्राम और 80 ग्राम।
यहाँ क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि कौन सा जो लॉ है वो यहाँ फॉलो होता है। यहाँ जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन होगी तब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो रिएक्शन है उसमें कौन सा लॉ जो है वो फॉलो होगा वो हमें पूछा गया है। कर डालते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो, आप देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में से किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा, तो यहां मैं लिख लूंगा फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन और यहां है ऑक्सीजन, फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन और यहां मैं करूंगा ऑक्सीजन। देख लो, तो यहाँ 14, 14, 28 और 28 है, 14, 14, 28 और 28 है, तो सबका वेट यानी मास में 14 कर डालता हूं। चलो पहला तो 14 ही है, पहले तो 14 ही है, तो 14 और 16 लिखूंगा। यहाँ 14 है तो 14 और 32 लिखूंगा। यहाँ 28 है तो 28 को भी मैं 14 में कन्वर्ट करूंगा, तो यहाँ 2 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ भी करना पड़ेगा तो 16 आएगा। यहाँ भी 28 को 14 में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ भी 14 मिलेगा। ओके, आपने ऐसा रूल्स देखा है कि जब दो एटम यानी दो जो एटम होते हैं वो कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, उसमें कोई एक कंपाउंड होता है, कोई एक एलिमेंट होता है उसका वेट फिक्स है और दूसरे का जो वेट है वो एक सिंपल रेशियो में रहेगा, जैसे कि 16, 32, 16 और 14, तो सबको 8 से डिवाइड करूंगा मैं तो 2, 4, 2 और 5। तो आप देख सकते हो ये सारी जो वैल्यू है वो एक सिंपल रेशियो है, और जब ऐसा सिंपल रेशियो मिलता है तो कौन सा रूल्स यहाँ आएगा, तो उसका आंसर बहुत ही क्लियर है, मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, मल्टीपल प्रोपोर्शन लो यहां रहेगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन में आएगा। कुछ लोगों ने लिखा है कि डिफाइनाइट, डिफाइनाइट नहीं है, डिफाइनाइट में तो सिर्फ दो एलिमेंट के बीच फिक्स रिएक्शन होती है, लेकिन यहाँ बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं तो मल्टीपल प्रोपोर्शन रूल्स आएगा। चलो, किसी को नहीं पता चला है तो कह सकते हैं, पता चल गया है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखें। ओके, चलो क्लियर, आगे जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, वो डाउट से देख लेते हैं। यस, फिक्स करना पड़ता है, और मल्टीपल प्रोपोर्शन कहां से पता चलता है, जब दो एलिमेंट के बीच रिएक्शन होगी और बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे। देख लो यहां, तो इसे मल्टीपल बोलते हैं, फिक्स में फिक्स एक ही कंपाउंड बनेगा। चलो दूसरी एक एक्सरसाइज देखते हैं, लेकिन उसके पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलो, इसी एक्सरसाइज का एक दूसरा पार्ट है, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन व्हेन डाई, हाँ वो तो हो गया ए पार्ट, और बी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आप देख सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स में टोटल 3 दिए गए, लेकिन मैं 1 ही करूंगा, ओनली 1 फिल इन ब्लैंक्स बाय मी, बाकी दोनों आपको अपने आप होमवर्क में करनी है।
चलो एक्सरसाइज 21, 1.21 उसमें बी नंबर की एक्सरसाइज है, उसमें वन मैं करूंगा, टू और थ्री आपको अपने आप करनी है। 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मैनी मिलीमीटर में इक्वल टू हाउ मैनी पिकोमीटर। तो फर्स्ट तो आपको सब प्रिपरेशन पता होनी चाहिए। चलो मैं यहां बताता हूं आपको, किलो तो आपको पता होना चाहिए, किलो मीन्स 10^3, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10^3 मीटर। मिलीमीटर, क्योंकि मीटर हमारा ऐसा यूनिट है तो सबको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर तो यहां लिखूंगा मैं, मिलीमीटर मीन्स 10^-3, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10^-3 मीटर। और पिकोमीटर, पिको मीन्स 10^12, तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10^-12 मीटर। ओके, तो किलो मीन्स 10^3, मिली मीन्स 10^-3 एंड पिको मीन्स 10^-12, तो सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यूनिट फैक्टर निकालेंगे हम, क्योंकि यहां हमें मेथड यूज करनी है, नहीं करनी है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो पता है क्या करना है, 1 किलोमीटर अपॉन 10^3 मीटर इक्वल टू 1 = 10^3 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। ओके चलो दूसरा एक यूनिट फैक्टर निकालेंगे हम, 1 मिलीमीटर अपॉन 10^-3 मीटर इक्वल टू 1 10^-3 मीटर। यहां भी 1 पिकोमीटर अपॉन 10^-12 मीटर इक्वल टू 1 ओके। चलो देखो, तो ऐसे हमने यूनिट फैक्टर बना दिए, अब हमारे लिए सॉल्व करना बहुत ही इजी बन गया है। देखो 1 किलोमीटर, तो पहले हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी किलोमीटर को हमें निकालना है। तो यहां किलोमीटर न्यूमेरेटर में है, तो डिनोमिनेटर में कहां पर है, तो यहां पर है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10^3 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। चलो किलोमीटर किलोमीटर कैंसल, अब यहां मीटर है तो मीटर न्यूमेरेटर में है, तो डिनोमिनेटर में कहां है, तो यहां है, देख लो आप, 1 मिलीमीटर अपॉन 10^-3 मीटर। अब मीटर मीटर भी कैंसिल हो गया, तो मिलीमीटर बस, तो हमें मिलीमीटर में ही कन्वर्ट करना है पहले, तो एक मिनट यहां मैं ये कैंसिल कर देता हूं। बस अब आप देख सकते हो, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, तो क्या रह गया हमारे पास, हमारे पास 10^3 इंटू mm अपॉन 10^-3। ये जो 10^-3 न्यूमेनेटर्स में है उसे लाइन के अप लाऊंगा, हाँ डिनोमिनेटर में है उसे न्यूमेरेटर में लाऊंगा मैं, तो लाइन के अप आएगा, तो 10^-3 का 10^+3 होगा, तो 10^6 मिलीमीटर। तो ये है हमारा फर्स्ट आंसर। ओके चलो दूसरा हमें क्या कन्वर्ट करना है वो देखते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू मीटर को मीटर में तो कन्वर्ट करेंगे हम,
वन किलोमीटर 10^3 मीटर। चलो तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन मीटर में कन्वर्ट होने के बाद पिकोमीटर हमें लाना है। तो पिकोमीटर के लिए मीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पिकोमीटर / 10^-12 मीटर। आप देख सकते हो ये कैंसल होगा, मीटर मीटर किलोमीटर किलोमीटर, तो क्या रह गया हमारे पास, 10^3 पिकोमीटर और अपॉन 10^-12। 10^-12 को लाइन क्या अप्लाएंगे, तो 10^15 पिकोमीटर। तो हमें आंसर मिल गया, यहाँ आंसर में लिखूंगा 10^6 मिलेगा मिलीमीटर, और पिकोमीटर में 10^15। ओके, ये एक सिंपल कन्वर्जन है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मेथड का यूज हमने यहाँ किया है। चलो पता चल गया तो यस लिखो, उसके बाद हम देखते हैं। बाहर के न्यूमेरिक्स तो बात की बात है, पहले टेक्स्ट बुक के कर लो, उसके बाद बाहर के कराएंगे हम। पहले टेक्स्ट बुक के कर लो, क्योंकि स्काई इज द लिमिट होती है, बहुत सारे एमसीक्यू या सब बनते हैं, लेकिन पहले बेसिक फंडामेंटल हो जाए, उसके बाद हम कर सकते हैं। चलो दूसरी दो एक्सरसाइज इसमें 2 और 3 है, वो आपको अपने आप ही करनी है। चलो फिर से इस एक्सरसाइज पर आ जाते हैं हम। चलो 1.22, जो इफ द स्पीड ऑफ 3 × 10^8 मीटर सेकंड इनवर्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर बाय द लाइट इन 2 नैनोसेकंड। देखो, इफ द स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड है वो 3 × 10^8 मीटर सेकंड इनवर्स है, 3 × 10^8 मीटर सेकंड इनवर्स है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन 2 नैनोसेकंड। टाइम दिया गया है हमें 2 नैनोसेकंड। देखो नैनोसेकंड में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि यह सेकंड है, नैनो मीन्स 10^-9, तो नैनोसेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। चलो मुझे चैट में बताओ स्पीड की फॉर्मूला क्या रहती है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। चलो स्पीड की फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेरी गुड। चलो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेरी गुड। यहां स्पीड दी गई है 3 × 10^8, डिस्टेंस फाइंड करना है, इसे डी लिखूंगा डिस्टेंस मीन्स, और टाइम है 2 × 10^-9, और डी इक्वल टू 3 × 10^8 2 × 10^-9, 3 × 6 2
मीन्स 6 और 10 रेस टू माइनस 1 आएगा तो आंसर मिलेगा 0.6। कितना मिलेगा आंसर? 0.6 मीटर आंसर मिलेगा। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ।